हेलो एवरीवन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आया है जामिया के बीआर के एडमिशन से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा, और इसकी लास्ट डेट कल तक है। इसीलिए मैं ये वीडियो इस टाइम रात में लेके आ रहा हूँ, वरना मैं कल भी ला सकता था इस वीडियो को, बट लेट हो जाता, कल ही तक की इसकी लास्ट डेट है। इससे आपको रिजल्ट कब आएगा उसका भी आइडिया लगेगा। समझते हैं। सबसे पहले जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हो जामिया के एडमिशन के, तो यहाँ देखो हम आ चुके हैं। नीचे आने के बाद मैं आपको बताता हूँ, सारे नोटिस यहीं पर आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट अर्जेंट नोटिस आया है बी आर का, देखो सबसे ऊपर, इसको जब हम क्लिक करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक प्रॉब्लम और आती है कि ये जो रेड वाले नोटिस है ना, कुछ डिवाइसेज में ओपन नहीं होते, तो इनका सिंपल एक बहुत ही इजी प्रोसेस बताता हूँ। सपोज ये ओपन नहीं हो रहा क्लिक होने पे, तो आप इसको देर तक टैप करके न्यू पेज पर कॉपी करके ओपन करो, डाउनलोड होकर आ जाएगा। देखो एक्चुअली ये नोटिस हर साल आता है, और बीटेक में भी आया था, देखो आज ही के टाइम अब भी आया थोड़ी देर पहले, क्योंकि शाम तक मैंने रिजल्ट चेक करा, कुछ अपडेट नहीं था। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है, कि जिनका भी जो नीचे नाम दिए हैं, फादर नेम दिया है और एप्लीकेशन आईडी दिया है, उन सभी स्टूडेंट को अपना जो है नाटा का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देख सकते हो, चेक करना है। उन्होंने जामिया को ऐसा लगता है कि आपने गलत फील किया है या फिर कोई मिस्टेक है, क्योंकि नाटा के थ्रू ही आपको यहाँ पर बीआर में एडमिशन मिलने वाला है। और इसकी जो लास्ट डेट है सही करने की, वो 30th of July है, आज 29 की रात है, यानी कि सिर्फ कल तक का ही है। तो अगर आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तुरंत जाकर सही करो, और अगर कोई आपके जानने में है जिन्होंने अप्लाई कर रखा है तो उनको शेयर करो ये वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिशन, वरना कैंसिल हो जाएगा। देख सकते हो, अगर आप फेल हो जाते हो सबमिट करने में, तो वो कैंडिडेट्स को कंसिडर भी नहीं किया जाएगा मेरिट लिस्ट में, यानी कि एडमिशन के लिए बुलाया भी नहीं जाएगा, इवन आप टॉपर हो या जो भी हो नाटा के। और करना क्या है, सही जो है अटैच करना है, अटैच जो सही रजिस्ट्रेशन नंबर है इस पे अटैच करना है, ये जो ब्लू में दिया हुआ है admissions2024@JMI। अब देख लेते हैं कौन से वो स्टूडेंट्स हैं, और अगर आपने सही डाला है फिर भी आप अटैच कर दो। अगर आप सब मानते हो कि आपने सही डाला है, तो एक बार फिर से अटैच कर दो, क्योंकि उनका ये मानना है कि आप सभी ये स्टूडेंट्स। और अगर किसी का नाम सेम आ रहा है, सपोज बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका नेम और सरनेम भी सेम होता है, तो पेरेंट्स का नेम देखो और अपना ये एप्लीकेशन आईडी भी चेक कर सकते हो। सो यहाँ पर बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इस पर हर साल आता है, और बीटेक पे भी आया था, आई थिंक बीआर का अगेन आया था। अब बात करते हैं ये सारे स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखो इस नोटिस के आने के कुछ दिन बाद रिजल्ट आ जाता है, तो ये देखो ये दोबारा से क्यों आया, क्योंकि अभी अगेन रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे, मैंने बताया लास्ट वीक, तो इस वजह से कुछ न्यू स्टूडेंट्स ने भी अप्लाई किया होगा, जिस वजह से उन्होंने भी गलती की होगी। तो एक चीज और आपको नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, दोबारा अप्लाई किया है, तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस रहते हैं, इस बात का ध्यान देना है। और एक गुड न्यूज ये है कि अब रिजल्ट आ जाना चाहिए, एटलीस्ट एक वीक के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये नोटिस रिजल्ट से पहले जस्ट पहले निकलता है, इसके बाद अब इसी डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। तो क्या प्रोसेस है, क्या सारी क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पर अलग से वीडियो में डिटेल में लेकर आ जाऊंगा, अभी के लिए बस इतना ही। सो ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, देखो मैंने सबसे पहले आपको अपडेट किया, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कुछ आप मिस ना करो। और कुछ भी पूछना है बताना हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मिलते हैं कल की एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।